डायरेक्टर रमेश गोयल। ये मेरा 50वां साल है एज एन एक्टर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। मुझे 10 अक्टूबर 2023 के दिन पूरे 50 साल हो जाएंगे कैमरा फेस करते करते कैमरे के सामने। मुझे इसी बात का ही मतलब घमंड कहना चाहिए, गर्व हुआ है इस बात का कि मैं 50 साल से कैमरा फेस कर रहा हूँ और भगवान ने मुझे इस लायक बना रखा है कि मैं यहाँ तक आया और आपके सामने मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये हमारे डायरेक्टर का है ब्रेक पंच। कलाकार हमारे बॉम्बे से भी हैं और हमारे प्रदेश से भी हैं। कौन हैं क्या उनके बारे में बताइए। हमाद, मिंटू, सना खान, फिरोज खान और बाकी हमारे डायरेक्टर सब पूरे लोगों को बताएंगे। बनारस, ओनली वन बनारस। हाँ, 5 घरें हैं। नहीं, ये हमारी फिल्म किन्नर के ऊपर पूरी है, क्या समझा, उसके ऊपर ये पूरी फिल्म है। सबसे पहले आप सभी का नमस्कार। मैं हूँ सना अली खान और रेड पंच में मैं एक बहुत ही अच्छे भूमिका में नज़र आने वाली हूँ। बेसिकली एक किन्नर हूँ और अभी रिवील कर देती हूँ, मैं किन्नर का एक्ट प्ले कर रही हूँ उसमें। और ये फिल्म मैं काफ़ी, आई थिंक मैं 5 ईयर से वेट कर रही थी इस फिल्म के लिए। अब जाके फाइनल हुआ है कि अब हम फाइनल शूट करने जा रहे हैं मार्च में। जैसा कि सर ने बताया कि ये मार्च में शूटिंग होगी, तो हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। और ये एक चैलेंजिंग रोल है मेरे लिए और मुझे लगता है कि मैं इस रोल को बाखूबी निभा सकती हूँ। तो बस आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार दीजिए, ये फिल्म बहुत अच्छी बने। और सारे आर्टिस्ट को भी आप लोग अपना प्यार स्नेह दीजिएगा। और मेरी अपकमिंग फिल्म है बैंडेज शकुंतला, जो अभी हाल में रिलीज़ होने वाली है। और वो है मधुबनी की जो डकैत थी रियल, उसी के बेस पे बनी है ये फिल्म। तो अभी बहुत जल्द रिलीज़ पे है वो। और बाकी 2-3 है अभी वो पेंडिंग है, तो उसके बारे में अभी बताकर कोई मतलब नहीं है। जब वो रिलीज़ होगी तो बताऊँगी कि हाँ होने वाली है। और मैं जो हूँ, शॉर्ट फिल्म की थी मैंने, एक जो एक मंत्री जो रहता है, मंत्री ने एक रिपोर्टर को मार दिया था, तो उस पर मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी। सपा सरकार मेरे पीछे पड़ गई थी उस कारण, तो मुझे मुंबई भाग के आना पड़ा, तो मैं यहाँ स्ट्रगल करने लग गया। यहाँ मेरा दिमाग ये रहता था कि मैं लिखूँ, कुछ अच्छा लिखूँ। एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया कि ये रेड पंच को जब मैंने लिखा, तो लिखने के बाद कुछ चीज़ें इससे ऐसी रहीं कि मैंने जो लिख दिया वो 2 महीने बाद पूरा हो गया। जैसे लक्ष्मी नारायण जी त्रिपाठी जो हैं, कल उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला, फ़ोन पे ही बात हुई थी, वो आ नहीं पाई। तो मैंने जब उनको मैंने लिखा था स्क्रिप्ट में कि लक्ष्मी नारायण को किन्नरों का महामंडलेश्वर बनाया गया, 2 महीने बाद उनको बना दिया गया था। तो ये मतलब ऊपर गॉड गिफ्ट है, ये महादेव की कृपा है बस। तो मैं लिखता रहता हूँ ऐसे ही। और ये फिल्म हम लोग करने जा रहे हैं, शमीम भाई ने इस पर साथ दिया है पूरा, और हम लोग कर रहे हैं इसको बनारस में। जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? सर, और फिल्म के बारे में क्या बताना चाहेंगे? रेड पंच जब आपने लिखा, तो मतलब किस तरह से इसमें किरदार आपने सोचा कि किन्नरों को भी दिमाग में रख दिया और उसके बाद में रेड पंच बना दिया? नहीं, ये एक बॉक्सर की कहानी है, बॉक्सर को किन्नर बना दिया जाता है, फिर किन्नर बनने के बाद वो किन्नरों का महामंडलेश्वर बनता है, ये पूरी जर्नी बताई है। और इसके अलावा क्या कुछ उसमें देखने को मिलेगा? मतलब कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, ये तो कुछ सस्पेंस मतलब रखा गया है कि कुछ अच्छा ही होगा। किन्नर पे तो बहुत सारी फिल्म बनी, किन्नर बनी है, लेकिन ये अलग टाइप की फिल्म है, जो बनी है वो अलग है। क्या इसमें क्या डिफरेंस मिलेगा?
मतलब ये आपको किन्नर, हर तरीके के किन्नर आपको देखने को मिलेंगे, जो नेगेटिव होते हैं पॉजिटिव होते हैं दोनों तरीके के किन्नर आपको मिलेंगे। जबकि लोगों का एक नज़रिया है कि नहीं किन्नर जो है नेगेटिव ही होते हैं, पॉजिटिव होते ही नहीं, जबकि हमने ये दोनों बताए हैं कि दोनों ही लोग होते हैं। मैंने 5 लगभग 6 महीने में उनके साथ ही रहा, उनके साथ ही लाइफ जी है मैंने। उनको खाना बना के भी खिलाता था मैं, वो मुझे खिलाते थे मैं उनको खिलाता था, वो कैसे रहते हैं ये सब सीखा है मैंने, उनके हाव भाव क्या होती है, उनकी बोली क्या है, कैसे इशारे करते हैं, क्या सब कुछ मैंने सीखा, एक एक चीज़ पे काम किया है। कमजोरी तो बताना नहीं चाहूँगा मैं, वो गलत होगा। हाँ थैंक यू। सर पोस्टर से आपको पता चल गया कि मेरा रोल क्या है इसके अंदर? किन्नर ही है। और ये जब संजीव जी ने मेरे को नरेशन दिया था, मेरे को इतना अच्छा लगा था, मतलब फर्स्ट टाइम, बाकी तो मैंने बहुत नेगेटिव रोल कर लिए, बट फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग एज अ किन्नर, तो बहुत चैलेंजिंग रोल है, बहुत अच्छा है मेरे लिए और सीखने के लिए भी कि Yes. क्या क्या करेंगे अब इसके अंदर। एक बॉक्सर है, बॉक्सर वो कैसे किन्नर बनाया जाएगा, फिर वो कैसे वहाँ से भागेगा और हमारे को मारेगा, आखिरी में मरना हमें ही है वो बात कंफर्म है। तो लाइक अभी तो पोस्टर लॉन्च है, मूवी विल बी स्टार्ट ऑन 13th मार्च, 13th और 15th मार्च से हम फ्लोर पे चले जाएंगे और शूटिंग जो हम करेंगे वो होगी बनारस में सारी, बॉम्बे में हम शूट नहीं कर रहे, बनारस में करेंगे। और मेरे को तो ये लग रहा है कि मेरे को पूरा 30 दिन का वहाँ शेड्यूल है, तो 30 दिन मेरे को साड़ी पहननी है, कैसे मैनेज होगा वो सबसे बड़ा चैलेंज है। नहीं भाई आप अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, वेरी गुड। पहले किसी एक्ट में आपने साड़ी वगैरह पहनी है इस तरह का? सर मैंने साड़ी नहीं, सर आज तक नहीं मैंने साड़ी, हम क्या बोलूँ, चाहे वो सावधान इंडिया हो, क्राइम पेट्रोल हो, चाहे वो एक था टाइगर, चाहे वो पुलिस गिरी, शॉर्टकट रोमे, जितनी भी पिक्चरें फ्लाइंग उसके अंदर भाई भी हैं थे हमारे साथ भैया, तो हमने मारा और मारी खाई है, साड़ी कभी नहीं पहनी, वो पहली बार है, लेट्स सी कैसे रहेगा। हाँ बहुत से काम पहली बार करने पड़ते हैं जी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुरू तो अच्छी हो रही है, आप लोगों का साथ है तो हिसाब से कर रहे हैं, मैं भी किन्नर का रोल कर रहा हूँ उसमें। देखिए मेरा नाम रौनक अली, और जैसे कि फिल्म के पोस्टर से ही रेड पंच आप लोगों को पता चलता है कि ये फिल्म जो है किस विषय पर आधारित है। तो अब किस विषय पर आधारित है ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल में, जैसे कि गोयल सर ने कहा, हमारे काफ़ी सीनियर हैं, जैसे गोयल सर ने कहा कि इसके बारे में आर्टिस्ट को ना ही बताने की बहुत ज़्यादा इजाज़त होती है और ना ही मेरे ख्याल से मुनासिब होता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, यानी कि शमीम अख्तर साहब हैं, और हमारे डायरेक्टर साहब हैं श्री संजीव तुरगुराई जी, वही इसके बारे में ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन चूंकि उनका काम मैंने पहले देखा है, उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि ये फिल्म यकीनन समाज को एक नई दिशा देगी, जिससे इस तरह के लोग एक अपने आप में एनर्जी और ताकत महसूस करेंगे, जो समाज के अंदर उनका तिरस्कारित नज़रों से देखा जाता है। यकीनन इस फिल्म को देखने के बाद में उनको भी एक बेहतर जिंदगी जीने की एक दिशा मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और आप लोगों का सहयोग है और आगे भी सहयोग रहेगा, किसी फिल्म को हिट बनाने के लिए या किसी फिल्म को पुशअप करने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और संजीव तुरगुनाथ जी ने और शमीम अख्तर साहब ने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ बुलाया, और संयोग से मैं इस फिल्म में काम भी कर रहा हूँ।
करेक्टर भी मेरा कुछ इस तरह से, मुझे अपने मुँह से कुर्बानी देने पड़ेगी, कोई बात नहीं, वह ऐसा होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और प्रेस के सामने मुझे बैठाला इस बात के लिए विशेष आभार शमीम अख्तर साहब और संजीव त्रिभुवनायक जी का और सभी लोगों का, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नहीं एक्चुअली मैंने ये मूवी में काम नहीं किया है, पर मैं सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। मेरे फ्रेंड है योगी राज, तो उनकी ये मूवी है और आज पोस्टर लॉन्च है, तो मैं उनको सपोर्ट करने के लिए स्पेशल आई हूँ। सो कंग्रेचुलेशन योगी राज, आपकी PVR के अंदर आपका पोस्टर लॉन्च हो गया, बहुत अच्छा लगता है जब अपने दोस्त और अपनी पिक्चर का जो पोस्टर लॉन्च हो, ट्रेलर लॉन्च हो, तो बहुत अच्छा लगता है। सो गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू द ऑल टीम्स, इनके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑल एक्टर्स, मैं सबको कंग्रेट्स करना चाहूँगी। नमस्कार, मैं एक्टर प्रोड्यूसर विकी हाडा। मैं सबसे पहले तो बधाई दूंगा योगी राज को, योगी राज मेरा फ्रेंड है, और पोस्टर इतनी अच्छी जगह लॉन्च हुआ है तो मुझे लगता है कि सिनेमा भी इतनी अच्छी, इससे बड़ी जगह लॉन्च होगा और बहुत चलेगा, क्योंकि क्योंकि सभी लोग अभी वापस से सिनेमा आ गया है, हम लोग कोविड से बाहर आके और सभी लोग काम कर रहे हैं, इसकी बहुत खुशी है मुझे, और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट आने लगे हैं। ये एक अलग तरह का सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरे उसके साथ में डिस्कस हुई थी तो उसने कहा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है, वो पहली बार ऐसा कुछ अलग काम कर रहा है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं उनको, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और सब मीडिया को जो आप उसे कवर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। ऑल मैं कॉन्ग्रेस करूंगा पूरी टीम को जो आज हमारा पोस्टर लॉन्च है यहाँ पे। तो संजीव जी के साथ मैंने पहले भी एक फिल्म कर चुका हूँ, बहुत अच्छी फिल्म थी वो भी। जब इन्हें मुझे ये सब्जेक्ट सुनाया तो मुझे लगा कि इसका कॉन्टेंट जो है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही यूनिक है, बिकॉज एक बॉक्सर है वो कैसे किन्नर बनता है, तो इसका फुल रिवेंज ड्रामा, और मैं इतना रिवील अभी नहीं करूँगा, बाकी आपको फिल्म देखनी पड़ेगी इसके लिए, बट ये बोलूँगा कि कंटेंट सबसे अलग है, बहुत डिफरेंट है, बहुत ही अच्छा है। सो इन पर ट्रस्ट है मुझे और बहुत अच्छा फिल्म बनाएंगे, मुझे पसंद है। सब कुछ मिलेगा आपको, इमोशन, ड्रामा, थ्रिलर, सस्पेंस, एक्शन। फर्स्ट मतलब पहली बार सब बन रहा है बॉलीवुड में कि एक किन्नर को लेके जो मतलब जो उनका रिवेंज ड्रामा है, कैसे वो अपना बदला लेगा, कैसे ट्रेन होगा, पहले बॉक्सर होता है, मतलब इसे ट्रांजिशन इज इट्स वेरी गुड, यू शुड वॉच द फिल्म फॉर दैट। बॉक्सर का रोल करने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? तैयारी चल रही है, मतलब मार्शल आर्ट चल रहा है, बाकी ट्रांसफॉर्मेशन भी मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी एक मंथ है, तो आई एम जस्ट गोइंग फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वन मंथ फॉर द बॉक्सर। यस रेडी। लेटली आप लोग जानते हैं इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर रिलीज हुई हैं, लेकिन मुझे तो स्टोरी और कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया उनका, लेकिन एज अ पर्सन फ्रॉम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट, स्टोरी, और उसके बाद आती है टीम। तो मुझे जब पता लगा अमाद से, इन्होंने डायरेक्ट करी है बहुत अच्छी भी पिक्चर, और मैं जब कॉन्सेप्ट और स्टोरी सुनी तो मैं हिल गया, मैंने कहा यार यही मेन है ऑडियंस को। आज की डेट में बेवकूफ नहीं बनना चाहिए, आज की डेट में अच्छी स्टोरी, अच्छा स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स हों, और उसके बाद फिर टैलेंटेड एक्टर हों ऐसे, तो अपने आप और ऐसे डायरेक्टर हों इतने बढ़िया, तो फिर काम बन ही जाता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कॉन्सेप्ट और लुक बहुत अच्छी लगी, आप पोस्टर देख के देख सकते हो हमारे भाई का एक एक्सप्रेशन, इनके एक्सप्रेशंस, पता लग जाता है कि मेहनत हुई है, और माय बेस्ट विशेस। सामने बस आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो यहाँ पे आए, बिकॉज आई ट्रीट हिम लाइक माय एल्डर ब्रदर, सो इज हियर टू गिव अप रिगार्ड्स एंड बेस्ट विशेस टू द फुल टीम, एंड आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट इन हिज फ्यूचर फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर्स, एंड आई लव यू सो मच एंड थैंक्स फॉर कमिंग हियर। भाई मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं पहले ही समझ लेता हूँ कि कौन सुपरस्टार बनने वाला है, मुझे पता है अमाद तो सुपरस्टार बनेगा ही, तो इसकी लाइफ का जो पहला पिक्चर का पोस्टर है उस पर मैं खड़ा हूँ, ये जब कल ये बहुत बड़े लेवल पर जाएगा तब भी साथ में ही खड़े होंगे। करेक्ट बोला सर, हाउ आर यू सर? फाइन सर, रमेश गोयल। ऑफ कोर्स सर आए हैं तो इसके लिए मैं बस शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि हम लोग इस मंच पर खड़े हैं और कम से कम इनका ये आए यहाँ तक, इसके लिए बहुत अच्छा, थैंक यू। बोल दूंगा
हाँ जी हमीद भाई, ये आज हमारे पास आए हैं क्योंकि हमारी पिक्चर का पोस्टर लॉन्च है रेड पंच, एंड आमाद और मेरे ये बहुत क्लोज हैं, हमारे भाई हैं जो हमेशा हमारे को गुड विशेस देते हैं, और मैं हमेशा यही चाहता रहूँगा कि वेन एवर इस काम हमारे बस पोस्टर ही लॉन्च होते रहे सर। और एक चीज़ बताऊँ, आमाद और इन लोगों के लिए आया हूँ जबकि मेरे को बहुत भयंकर फीवर है, हालत ख़राब है मेरी, लेकिन क्योंकि आज का दिन था ये चेंज नहीं हो सकती थी डेट, तो आना ही था, तो दवाई खा के डोलो खा के और मेडिसिन खा के आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। शमीम जी को बधाई देंगे कि आपने बहुत अच्छे हीरे को तराशा है और आपकी टीम भी बहुत अच्छी लगी, तो बेस्ट विशेज। और मैंने जैसे बोला कि आप प्रोड्यूसर हैं तो आपके पीछे और फाइनेंसर्स आएँ और अगला पार्ट और भी बड़ा बने, 100 करोड़ की पिक्चर बनाई है। और भाई ये जो हम शूट करने जा रहे हैं हम बनारस के, अच्छा बॉम्बे में नहीं, मतलब नेचुरल जो नेचुरल वहाँ का, बस स्क्रिप्ट पे फोकस करना है, भले ही आप 5 बार रीराइट उसको करेक्शंस कराइए, बस स्क्रिप्ट ही मेन है। आपने देखा है लेटली बड़ी पिक्चरें आई हैं लेकिन उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो स्क्रिप्ट होगा तो सब होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।